हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2019 में आई एक बंगाली मूवी बोर्नो परिचय का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें आर्को भट्टाचार्य नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सेन बासु नाम के एक आदमी को किडनैप करके एक वीरान जगह पर लाया होता है। उसके सामने कई नोट पड़े होते हैं। आर्को उससे कुछ मॉरल बातें करता है और फिर उसे जला देता है। वो ऐसा क्यों करता है ये हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट डे सारे न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि पुलिस को सेन बासु की जली हुई डेड बॉडी मिली है। उधर दोनोंजे अपने घर पर काफ़ी ड्रिंक किए हुए था, तभी उसकी वाइफ मालिनी का उसे कॉल आता है। नशे में होने की वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाता। फिर दोनोंजे थोड़ी देर बाद वापस अपनी वाइफ को कॉल करता है। मालिनी उसे बताती है कि कल उनके बेटे गोगुल का बर्थडे है। दरअसल कई मंथ्स पहले दोनोंजे जब पुलिस फोर्स में था तब एक दिन वो उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन किसी वजह से वो उसके हाथ से निकल गया। इसी वजह से दोनोंजे ने पुलिस फोर्स छोड़ दी थी और गिल्ट में शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसके करके उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई थी। उसी केस की सारी डिटेल्स कर्माकर अपने दो पुलिस ऑफिसर्स इंदिरा और पोर्शन को देता है और वह साथ में दोनोंजे के बारे में भी बताता है कि वो डिपार्टमेंट का बहुत काबिल अफसर था और उसने ये केस लगभग सॉल्व कर लिया था, लेकिन अब वो शराबी हो गया है। इंदिरा कहता है अगर वो उनकी हेल्प कर पाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उधर आर्को अपने नेक्स्ट टारगेट को फॉलो करता है। उसका नाम रोहित था। रोहित बहुत अय्याश किस्म का आदमी होता है। वह अपनी वाइफ को भी बहुत मारता है। ये सब आर्को को उसे फॉलो करते हुए पता चलता है और वह सही मौका देकर उसे किडनैप कर लेता है। दोनोंजे नेक्स्ट डे अपने बेटे गोगुल से मिलने उसके स्कूल जाता है, जहाँ गोगुल अपने पापा को देखकर भागकर उसकी तरफ आता है। तभी दूसरी तरफ से एक कार आती है। दोनोंजे भाग के अपने बेटे को उस कार से बचा लेता है। मालिनी अपने बेटे को डांटती है, लेकिन गोगुल बोलता है उसके पापा सुपरमैन है, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। मालिनी गुस्से में अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कर्माकर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, तभी इंदिरा को कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे रॉयल बंगाल क्लब का ब्रोशर, दो किताबें, बबलगम रैपर, एक छुरा जिस पर खून के निशान होते हैं और एक फटी हुई शर्ट। नेक्स्ट सीन में इंदिरा और प्रोशन दोनोंजे के घर जाते हैं और वो उसे पुलिस फोर्स वापस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन दोनोंजे उन्हें मना कर देता है। नेक्स्ट डे आर्को कर्माकर को एक लेटर भेजता है जो उसने दोनोंजे के लिए लिखा होता है। उस लेटर में उसने दोनोंजे को चैलेंज किया था, साथ ही उसने सेन बासु और रोहित की फ़ोटो भी भेजी थी। कर्माकर वो लेटर लेके दोनोंजे को दिखाता है। उस लेटर में आर्को ने कुछ क्ल्यू भी दिए होते हैं और साथ ही उसने हैप्पी न्यू ईयर 2025 लिखा होता है। उधर आर्को रोहित को चेन से बांध देता है। उसने जो जो गलत काम किए होते हैं वो उससे उसके बारे में बात करता है और एक आयरन रॉड से उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। इधर दोनोंजे कर्माकर को बताता है कि सीरियल किलर ने 5 साल में 5 मर्डर किए और उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, और वो सब एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उसने वो 5 मर्डर 5 एनिमल्स के अकॉर्डिंग किए थे और इसी तरह वो इस पैटर्न को फिर से रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट डे न्यू ईयर था और आज दोनोंजे के बेटे का बर्थडे था, इसलिए दोनोंजे अपने बेटे से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी कर्माकर उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। ये सुन के दोनोंजे को उस लेटर में लिखे हुए हैप्पी न्यू ईयर 2025 की याद आती है। वो लेटर में देखता है 20 और 25 के बीच में एक कॉलन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट मर्डर कल यानी 1 जनवरी को रात 8:25 पे होगा। और इतना क्ल्यू देने के बाद दोनोंजे अपने बेटे से मिलने चला जाता है। गोगुल अपनी नानी को एक ड्राइंग देता है जिस पर सुपरमैन बना होता है और वो उनसे कहता है जब उसके पापा आए तो वो ये ड्राइंग उसके पापा को दे दे, और वो कार्ड दे के सो जाता है। थोड़ी देर बाद दोनोंजे अपने बेटे से मिलने आता है, लेकिन मालिनी दोनोंजे को अपने बेटे से मिलने के लिए मना कर देती है। वो कहती है गोगुल उसका इंतज़ार करते करते सो गया। दोनोंजे उसे समझाता है कि कर्माकर सर आ गए थे एक केस से रिलेटेड, लेकिन मालिनी उसे वापस जाने के लिए कहती है। उसकी नज़र में दोनोंजे एक अच्छा फादर नहीं था। वो कहती है वो कभी भी गोगुल की पेरेंट टीचर मीटिंग में और स्पोर्ट्स डे पर भी नहीं आया। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है। दोनोंजे वहाँ से चला जाता है। फिर पास के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसमें दोनोंजे को पता चलता है कि सीरियल किलर एक आदमी को मारने वाला है, लेकिन उसी टाइम मालिनी का फ़ोन आ जाता है और वो उसे घर आने के लिए कहती है क्योंकि गोगुल को आस्थमा का अटैक आया था, लेकिन दोनोंजे घर आने से मना कर देता है। वो कहता है गोगुल को लेके तुम डॉक्टर के पास चली जाओ, वो अभी घर नहीं आ सकता। जिसके बाद दोनोंजे क्राइम स्पॉट पर पहुँचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सीरियल किलर ने एक आदमी को जला दिया था। उस इंसिडेंट ने दोनोंजे का सब कुछ छीन लिया था।
उसकी वाइफ अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है और वो उस आदमी को ना बचा पाने के गिल्ट में डिप्रेशन में चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, मालिनी की माँ धनंजय से मिलने आती है और उसे कहती है वो उस सीरियल किलर को पकड़ ले जिसकी वजह से उसका घर टूट गया, और साथ ही वो गोगुल की बनाई ड्राइंग उसे देती है और कहती है गोगुल उसे अपना सुपर हीरो मानता है, अब वो खुद डिसाइड करे कि वो सुपर हीरो है या लूज़र। उसके बाद धनंजय शराब छोड़कर फिर उस केस पे काम करना शुरू कर देता है और नेक्स्ट डे जाकर ड्यूटी ज्वाइन करता है। करनाकर और उसकी टीम उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग क्राइम सीन पर जाते हैं जहां धनंजय को एक फ़ोन मिलता है जिसमें आर्को ने एक रिकॉर्डिंग कर रखी थी। उस वॉइसमेल के अकॉर्डिंग जिस आदमी को जलाया था उसने इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए खुद के ऑफिस में आग लगा ली थी जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मर जाते हैं, और वह ऐसा फिर से ना कर पाए तभी आर्को ने सेन बासु को मार दिया। तभी धनंजय के पास आर्को की कॉल आती है और वो कहता है वो खुश है उसे फॉर्म में दोबारा देखकर, और वो उसे किसी कविता की कुछ लाइन धनंजय को सुनाता है जिसका कनेक्शन नेक्स्ट मर्डर से होता है। धनंजय क्राइम सीन पर मिले सारे एविडेंसेस को रिलेट करने की कोशिश करता है और उन्हें ये पता चलता है कि नेक्स्ट मर्डर किसी रिवर के किनारे होने वाला है क्योंकि सीलर किलर ने 5 एलिमेंट्स में से वाटर को चूज किया था। अब उन्हें ये पता करना था कि सिटी के किस रिवर पर मर्डर होने वाला है। इसके लिए वो आर्को की लेटर को फिर से पढ़ते हैं जिसमें एक पोइट्री लिखी थी जिसमें लिखा था एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी बॉडी को खा जाता है। इन लाइंस का मतलब समझने के बाद धनंजय को पता लगता है ऐसे इंसान अघोरी होते हैं और अघोरी निमलता शमशान में रहते थे जो नदी के पास भी था। इसी तरह धनंजय को समझ आ जाता है कि सीरियल किलर नेक्स्ट मर्डर कब और कहाँ करने वाला है। धनंजय अपनी टीम के साथ स्पॉट के लिए निकल जाता है, फिर भी एक एविडेंस बाकी था जो क्राइम सीन पर मिली बबलगम था जिसका कंक्लूजन धनंजय ये निकालता है कि वो नेक्स्ट मर्डर टाइम बम लगाकर करेगा। और उधर आर्को रोहित के गले में टाइम बम लगाकर उसे नदी में धक्का दे देता है। धनंजय और उसकी टीम नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां वो नदी में फंसे उस आदमी को बचाने के लिए कूद जाता है लेकिन बचा नहीं पाता, उसके पहुंचने से पहले ही बॉम्ब फट जाता है। ये देखकर धनंजय को बहुत बुरा लगता है। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने एक और मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे धनंजय गोगुल के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाता है क्योंकि उसने मालिनी को प्रॉमिस किया था। तभी उसे इंदिरा का कॉल आता है कि उसे नदी किनारे एक बैग मिला है, उसमें एक रिकॉर्डर है। इंदिरा उसे धनंजय को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसके अकॉर्डिंग आर्को ने जिसे मारा था उसका नाम रोहित विश्वास था और वो अपनी वाइफ को बहुत मारता था, और साथ ही उसे एक कैलकुलेटर मिलता है जिसपे एक नंबर डिस्प्ले होता है और एक क्लॉथ मिलता है जिसपे 3 स्ट्राइप्स होते हैं। इसका मतलब सीरियल किलर ने धनंजय को नेक्स्ट मर्डर की क्लूज दे दी थी। धनंजय क्लास पहुंचता है जहां उसकी वाइफ उसे क्लास टीचर से मिलवाती है और वो कोई और नहीं सीरियल किलर आर्को भट्टाचार्य था। थोड़ी देर बात करने के बाद धनंजय को ऑफिस से फ़ोन आने लगता है और वो वहाँ से जाने की परमिशन मांगता है। धनंजय वहाँ देखता है कि आर्को बार बार खांस रहा था और खांसते टाइम उसके हाथ में जो रुमाल था उस पर खून लग जाता है। दरअसल आर्को को कैंसर था। उसके बाद धनंजय वहाँ से ऑफिस आ जाता है। उन्हें रोहित विश्वास की बॉडी में मर्ड के सैंपल्स मिलते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट मर्डर 5 एलिमेंट्स में से अर्थ को चूज़ करेगा, और कैलकुलेटर पर मिले नंबर से सॉल्व करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि नेक्स्ट मर्डर एक सीमेंट्री में होगा जिसका नाम मदर टेरेसा है, और वो व्हाइट क्लॉथ पे 3 स्ट्राइप्स वहाँ की नन की यूनिफॉर्म्स होती हैं। उधर आर्को एक लड़की को किडनैप करके उसे सीमेंट्री में दफना देता है। धनंजय जल्दी से अपनी बाइक से उस सीमेंट्री के लिए निकल जाता है और उस लड़की को कॉफिन से निकाल देता है। वो लड़की बहुत घबराई होती है। तब तक उनकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। इंदिरा को वहाँ एक और रिकॉर्डर मिलता है जिसमें सीरियल किलर ने उस लड़की के बारे में बताया था कि उसका नाम मेनका चुरीवाल है और वो अपने फादर के रुपयों को ड्रग्स में बर्बाद कर रही थी। धरती में मिल जाने के बाद उसे समझ आता कि वो अपनी ज़िंदगी और इस दुनिया के बारे में लापरवाह थी, और यही बात समझाने के लिए उसने उसको ज़िंदा दफना दिया था। ये सब सुनने के बाद मेनका बोलती है फादर की डेथ के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी इसलिए वो ड्रग्स लेने शुरू कर दी थी, और वो बताती है कि उसके फादर का नाम प्रकाश चुरीवाल था और उन्हें भी किडनैप करके ज़िंदा जला दिया था। धनंजय उसे पुलिस स्टेशन भेज देता है सीरियल किलर का स्केच बनाने के लिए। धनंजय बताता है कि मेनका के फादर पंकज चुरीवाल और सेन बासु साइलेंट पार्टनर्स थे, और रोहित विश्वास ने ही सेन बासु को इंश्योरेंस दिलवाने में हेल्प की थी। उन्हें लगता है कि ये सारे मर्डर उस जले हुए ऑफिस का हादसे से जुड़े हैं जो सेन बासु ने अपने ऑफिस में करवाया था। धनंजय बोलता है उसे लग रहा है सीरियल किलर उनके आसपास है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। तभी उसे कार से कोई आदमी जाते हुए दिखता है। धनंजय उसका पीछा करता है मगर रास्ते में
स्लिप हो जाने की वजह से धनंजय गिर जाता है और सीरियल किलर भाग जाता है। कर्माकर उसे ऑफिस लाता है, उसकी वाइफ मालिनी भी आती है। इंस्पेक्टर इंदिरा वहां धनंजय को बताता है कि सेन बासु और पंकज चोरीवाल दोनों साइलेंट पार्टनर्स थे और उन्होंने रोहित बिश्वास और दो पुलिस इंस्पेक्टर की हेल्प से अपने ऑफिस में आग लगाई थी और उसका सारा पैसा आपस में खा लिया था। उन्हें एक ऑडियो क्लिप भी मिलती है जिसमें एक वॉइस बोलती है कि देखते हैं तुम्हारे सुपरवन पापा तुम्हें कैसे बचाते हैं। वो आवाज़ सुन के धनंजय घबरा जाता है क्योंकि वो आवाज़ गोगुल की होती है, यानी आर्को ने इस बार गोगुल का इस्तेमाल किया था। तभी मालिनी को स्कूल से फ़ोन आता है कि गोगुल स्कूल से मिसिंग है। धनंजय इंदिरा से कहता है उसे तुरंत सेन बासु के ऑफिस में लगी आग के बारे में लोगों की जानकारी चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि उस आग में सीरियल किलर का कोई अपना ज़रूर होगा, इसीलिए वो उन सबको मार रहा है जो उस स्कैम में शामिल थे। इंदिरा उसे बताता है उस एक्सीडेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड, पीएन और एक औरत जिसका नाम स्नेहा भट्टाचार्य था, उसके हस्बैंड का नाम आर्को भट्टाचार्य है। मालिनी बताती है कि आर्को तो गूगल का टीचर है और साथ ही इंदिरा बताता है कि उसे कैंसर भी है। तब तक स्केच भी बन जाता है और मालिनी कंफर्म करती है कि वह स्केच आर्को का ही है। धनंजय अकेले ही आर्को के घर पहुंच जाता है जहां आर्को बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि गूगल अभी सो रहा है, तब तक वो बातचीत कर लेते हैं। आर्को बताता है कि उस आग में उसकी पत्नी के साथ उसका बच्चा भी खो गया था, उस टाइम उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। धनंजय उसे गोगुल को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन आर्को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एज पुलिस ऑफिसर उसे उस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, पर कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से उस केस को दबा दिया जाता है। तभी उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और आर्को धनंजय के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो आर्को ने उसके हाथ बांध दिए थे और गोगुल के चारों ओर आग लगा दी थी। नीचे पुलिस फोर्स भी आ गई थी। धनंजय आर्को से रिक्वेस्ट करता है कि गोगुल सांस नहीं ले पा रहा है, उसे जाने दे, लेकिन आर्को उसे बताता है कि अभी भी दो एलिमेंट बचे हुए हैं, हवा और आकाश। तभी धनंजय अपने हाथों को खोलकर आर्को को मारने लगता है और साथ ही वो गोगुल को आग से बचा लेता है और नीचे भेज देता है जहाँ उसकी माँ और नानी आ गए थे। आर्को भागकर टेरेस पर चला जाता है और वहाँ से जंप मारता है, लेकिन धनंजय उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। लेकिन आर्को उसे कहता है उसे जाने दो और वो धनंजय का हाथ छोड़कर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। धनंजय को बुरा लगता है क्योंकि आर्को ने जो भी कुछ किया अपनी वाइफ और बच्चा का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। धनंजय को उसकी फैमिली वापस मिल जाती है और यहाँ फिल्म एंड हो जाती है।